अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाएंगे आलू की सिंपल सब्जी। है बिल्कुल सिंपल लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए हमने 4 आलू ले लिए हैं जो छील कर हमने पानी में रख लिए हैं। अगर हम ऐसे ही रख देंगे सूखे आलू तो ये काले पड़ जाएंगे। इसके लिए हमने एक मीडियम साइज की प्याज काट ली है, 3 से 4 हरी मिर्चें काट ली है, आधा चम्मच नमक लिया है या अपने जायके के हिसाब से नमक ले सकते हैं, 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 मीडियम साइज का टमाटर काट लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया, ये 50 मिलीग्राम मैंने तेल लिया है। आलू के कतले हमें काटने हैं, न ज्यादा बारीक न ज्यादा मोटे, सारे आलू अपने काट लेंगे। देखिए सारे आलू हमारे कट गए हैं, अब अपनी सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कुकर हमारा गरम हो गया है, इसमें हम डाल देंगे तेल। तेल आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें हम प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। हमें लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करनी। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, प्याज हम ज्यादा डार्क नहीं करेंगे नहीं तो सब्जी हमारी काली हो जाएगी। इसमें हम डाल देंगे आलू, इसमें हमें तेल में थोड़ी देर के लिए भून लेना अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच लाल मिर्च हल्का सा कलर के लिए, हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको हम तेल में ही खूब फ्राई कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही सिंपल सब्जी है और बिल्कुल आसान है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, आप जरूर बनाइएगा। इसके हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब हम सब्जी को पहले ही तेल में खूब अच्छे से भून लेते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। देखिए आलू हमारे भून गए हैं, अब इसमें हम डाल देंगे ये कटे टमाटर और हरा धनिया। थोड़ा सा हम चला देंगे, अब इसमें हम ढक्कन लगा के 1 सीटी पूरी लगाएंगे, दूसरी सीटी में 5 मिनट के बाद हम इसको खोल देंगे। आज हमें लो मीडियम पे रखनी है। आज हमने लो मीडियम पे कर दी है, देखिए 2 सीटी हमारी लग गई हैं। देखिए सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है, गैस हम अपनी बंद कर देंगे। अब इसको हम प्लेटिंग कर लेंगे। देखिए नाजरीन सब्जी हमारी बनकर तैयार है, बिल्कुल सिंपल सब्जी है, आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा।
अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।